hello everyone a very good morning to all of you and welcome to vizcals and pfe classes friends yesterday night ugc has published the question paper and answer key and if you are not downloaded it your question paper and answer key please visit the vgc university grant commission websites

सेट क्वालिफिकेशन यानी टॉपर ऑफ द हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम मैं आप लोगों को अपने वर्चुअफ एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि इस बार जो है कट ऑफ जो है क्यों कम जाएगा इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगा कि आप लोगों का जो अपकमिंग जो वैकेंसीज है रिगार्डिंग योर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स कब आने के चांसेस है और क्या आएंगे और किस में किस में आएंगे और कितनी वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेंगी सो so, वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स तो चलते हैं फिजिकल एजुकेशन का जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि अब तक जो एग्ज़ाम होता था यानी ट्वेंटी ट्वेंटी के पहले यू जी सी जो एग्ज़ाम कराती थी दो बार कराती थी साल में ठीक है तो दो बार जो साल में कराती थी एग्ज़ाम उसके पीछे क्या रीज़न था उसके पीछे यह एक एकमात्र रीज़न था कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बी एच देन डी यू यूनिवर्सिटीज़ एंड जी यूनिवर्सिटी बिलासपुर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो पाठ्यक्रम में इनके जो सिलेबस में और जो इनलमेंट होता है वो सिक्स मंथ्स के इनोलमेंट पे आप पीएचडी में और एम के लिए आप एडमिशन ले सकते थे इस कंडीशन के आधार पे यूजीसी जो है दो बार क्वालीफाई यूजीसी uh, जो है दो बार जो है कंडक्ट कराती थी जे और नेट का एग्ज़ाम ठीक है बट ड्यू टू कोविड सिनेरियो आप देखने को पाए होंगे कि अभी क्या है कि जो एग्ज़ाम हो रहा है केवल साल में एक बार हो रहा है ठीक है इससे क्या है इससे जो है यूनिवर्सिटी में जो इनरोलमेंट है पी एच डी कैंडिडेट्स का एंड एम फिल कैंडिडेट्स का रिसर्च प्रोग्राम में तो इस इनमेंट uh, जो है जो ग्रॉस इंरोलमेंट रेशियो होगा इट विल बी डिडक्टेड एज कंपेरजन टू द प्रीवियस ईयर्स सो इसलिए क्या है कि इस बार जो है यू जो है जो पहले सिक्स परसेंट्स का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था कि जो बेस्ट सिक्स परसेंट जो रहेंगे हर एक सब्जेक्ट्स में उनको जो है जे के लिए और नेट के लिए जो है क्वालिफाई करेंगे बट दिस टाइम इट मे बी आई एम वंस अगेन टेलिंग इट मे बी इंक्रीज अप टू ट्वेल्व परसेंट्स फॉर द जे एंड नेट क्वालिफिकेशन ठीक है तो इसलिए इस बार चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो साल में एक ही बार हो रहा है तो होपफुल्ली इट्स नॉट मैंडाट्री बट ऑर्डिनेंस भी नहीं आया है कि यू का कोई ऑर्डिनेंस भी अभी तक इशू नहीं हुआ है कि आ, उनको ट्वेल्व परसेंट कैंडिडेट्स को जो है क्वालिफाई कराना है बट इट मे वेरी मच चांसेस टू इंक्रीज अप टू ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो इसलिए क्या है कि आप लोगों का जो कट ऑफ जाएगा इस बार कंपेयर टू 2020 इट विल बी डाउन ठीक है इट विल बी रिड्यूज हाउ मच इट विल रिड्यूस दिस वीडियो विल क्लैरिफाई योर डाउट ठीक है तो देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं मैं फिजिकल एजुकेशन का मैं बताऊँगा कि क्या जनरल के लिए कट कट ऑफ जाएगा ओ के लिए क्या कट कट ऑफ जाएगा ई डब्ल्यू एस एस ठीक है तो यह सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सो so फ्रेंड्स जो जे आर एफ और नेट का क्वालिफिकेशन होगा इस बार जो होगा जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं जो हमेशा जो रहता है फिफ्टी नाइन सिक्सटी इस टाइप से रहता है बट इस बार जो जो कट ऑफ जाएगा वो फिफ्टी सेवन ही जाएगा ठीक है मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ फिफ्टी सेवन से फिफ्टी एट परसेंट जो होगा वो कट ऑफ जाएगा जनरल का फॉर योर जे आर एफ ठीक है फॉर योर जे आर एफ इन जनरल कैटेगरी ठीक है जनरल इन द सेंस यू आर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी ठीक है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जनरल और यू आर में बहुत डिफरेंस है ठीक है तो इसलिए यह जो कट ऑफ जो जाएगा जे आर एफ का मैं बता रहा हूं फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी एट परसेंट रहेगा ठीक है इसके बाद की बात करें यदि नेट क्वालिफिकेशन की तो नेट क्वालिफिकेशन इफ़ यू हैव अपटेंड फोर्टी नाइन परसेंट इन योर एग्जामिनेशन देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर दैट विल बी फोर्टी नाइन परसेंट ठीक है यह जो रहेगा आपका फोर्टी नाइन परसेंट रहेगा और यदि बात करें ओ कैटेगरी की ओ कैटेगरी का इस बार जे का जो कट ऑफ जो जाएगा बहुत डाउन होगा और 51 टू तो 52 परसेंट तक चांसेस हैं कि ओ कैटेगरी जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यदि 82 टू टू एटी क्वेश्चन जो है अगर सही है 80 प्लस है तो यह मान लीजिए कि आप जे के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे और 43 थ्री टू फोर्टी फोर परसेंट रहेगा इट विल बी वेरी ड्रेस्टिकली डाउन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स और बहुत ज़्यादा कम होगा 43 थ्री टू फोर्टी परसेंट में यदि आप स्कोर कर पाते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ इन द नेट क्वालिफिकेशन ठीक है ये बहुत अच्छा है इस बार जो चांसेस जितने भी लोग दिए हैं बहुत उनके लिए चांसेस है कि इस बार वो नेट क्वालिफाई और जे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे ठीक है इस तरीके से यदि यस कैटेगरी की बात करें यस कैटेगरी में यदि आपके जो स्कोर हैं सेवेंटी uh, नाइन से एटी के बीच में है एटी सेवेंटी नाइन एटी के बीच में है देन आपका जो होगा जे के लिए आप क्वालिफाइड हो जाएंगे यानी कि फोर्टी एट परसेंट लगभग आपको चाहिए ठीक है और फोर्टी वन परसेंट्स आपके आपको चाहिए फॉर योर नेट क्वालिफ़िकेशन यह जो है 40 परसेंट भी जा सकता है इस बार ठीक है क्योंकि 12 परसेंट्स का जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और कैंडिडेट जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं बहुत कम दिए हैं और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है इस बार छूटा भी है वो लोग लास्ट तक अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं ठीक है तो इसलिए जो इस बार जो चांसेस हैं आप लोगों के जो कम होने के जो कट ऑफ कम होने के बहुत सारे चांसेस हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है होपफुली दे आल विल बी क्वालिफाइड इफ दे आर कमिंग एंड इन बिटवीन दिस परसेंटेज ठीक है इस तरीके से एस सी कैटेगरी का था और यदि बात करें एस टी कैटेगरी की एस टी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा फॉर योर जे आर एफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप इट विल बी फोर्टी सेवन परसेंट ठीक है और नेट के लिए यदि आप थर्टी नाइन परसेंट और फोर्टी परसेंट्स के बीच में हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर यूर नेट ठीक है तो यह था और पीएच कैटेगरी का बहुत कम जाएगा फ्रेंड्स यदि आपने 42 43 परसेंट से आपने अगर स्कोर किया है पीएच कैटेगरी में और 41 से परसेंटेज से कम ही जाएगा 40 41 42 ही जाएगा आपके जे के लिए और 37 परसेंट और 38 के बीच जाएगा आपका नेट क्वालिफिकेशन के लिए फ़्रेंड्स बहुत इस बार कम जाने वाला है कट ऑफ आप देख सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद यदि बात करें जो ई कैटेगरी की ई कैटेगरी की यदि आपने 82, 83 एटी थ्री क्वेश्चन किया है 81 तक अटेम्प्ट किया है देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर योर जे और ई में यदि आपने 45 फाइव परसेंट इस्कोर किया है इस बार जो है ई का जो कट ऑफ जाएगा इससे ज़्यादा ओ से ज़्यादा जाएगा ठीक है और फोर्टी यदि आपने स्कोर किया है देन यू विल बी क्वालिफाइड योर नेट एग्ज़ाम ठीक है तो यह था छोटा सा फ्रेंड्स वीडियो और अपकमिंग वैकेंसीज़ की मैं बात बताऊँ कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसीज़ जो आएंगी वो आएगी के की वैकेंसी बहुत डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सी का जो एग्ज़ाम हुआ था सी का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत लेट हो गया था और जी जब तक सी का जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा यानी कि 15 फरवरी तक इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा और सी का जैसे रिज़ल्ट आते ही के जो है अपने वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज कर देगा ठीक है यह था KVS के वी एस के रिगार्डिंग इस बार के वी एस में वैकेंसीज की जो मात्रा होगी कंपेयर टू लास्ट टू लास्ट ईयर्स इट विल बी गोइंग टू बुम बुम ब्लास्ट ठीक है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है क्योंकि इस बार जो दे आपको देखने को मिलेगा 150 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ठीक है बहुत वैकेंसी इट मे बी इंक्रीज अप टू 200 250 बट मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ 150 तो वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी और एन की भी इस बार वैकेंसी जो है बहुत सारी आएंगी अप टू वन इस बार फिर एन जो है वैकेंसी जो है निकालेगा ठीक है तो इसलिए आप अपनी तैयारी को करते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे टच में रहेंगे सब्जेक्ट से तो आप लोगों को लास्ट मोमेंट्स में एट द एलेवेंथ हाउस में यू विल नॉट गोइंग टू बी पैनिक फॉर योर प्रिपरेशन सो फ्रेंड्स और एल्टी ग्रेड की वैकेंसी जो है अब चुनाव के बाद ही आएगी यूपी की एल्टी ग्रेड की बाद में ही आएगी सो so, फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से, से जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वंस अगेन आई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग है